आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो के अंदर आज हम ग्रेनी रीमेक खेलने वाले हैं। और इस बार ग्रेनी ने अपना डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, क्योंकि घर के अंदर अब पेट्रोलिंग रोबोट आ चुका है, सीसीटीवी कैमरा लग चुका है, लेज़र बीम लग चुके हैं और मोशन डिटेक्ट करने वाले अलार्म भी लग चुके हैं। और ऊपर से ग्रेनी का साथ देने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रैंडपा आ चुका है और सेलेंटिना की मॉम, और ऊपर से स्पाइडर ग्रेनी तो है ही। तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है ग्रेनी का हाउस एस्केप करने के लिए, लेकिन हम तो भाई कैसे भी करके एस्केप करेंगे। जो सबसे हार्डेस्ट एस्केप है ग्रेनी के घर के अंदर, डोर एस्केप, वही सबसे पहले ट्राई करेंगे। अगर वो नहीं हुआ तो कार एस्केप या फिर सीवर एस्केप करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो डोर एस्केप की होगी। तो देखते हैं, डे वन हमारा स्टार्ट हो चुका है भाई, डे वन के अंदर ही एस्केप करने की कोशिश करेंगे भाई, नेक्स्ट डे में नहीं जाना है हमको, डे वन में ही कोशिश करनी है पूरी तरीके से भाई। ये क्या है, पार्ट ऑफ शॉट गन भाई, पहले भाई शॉट गन ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी ही पड़ने वाली है भाई। ग्रेनी आ चुकी है भाई, बच गए। ये भाई उसका बम्पर गिर चुका है भाई, यहाँ पे भाई वेपन की मिल चुकी है भाई, अभी कोई जरूरत भाई। ग्रेनी भी आ चुकी भाई साहब, क्या ही चीज़ भाई, यहाँ पे भी अलार्म लगा दिया है भाई, क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है भाई ग्रेनी ने इस बार भाई। ग्रैंडपा इज नाउ गॉन फॉर अबाउट 2 मिनट्स भाई, जो लेज़र बीम हमने देखी है अपने ही जाल में, ग्रेनी का ग्रैंडपा फंस चुका है भाई। ये चूहे से बच के रहना पड़ेगा, अपने ही जाल में ग्रैंडपा शहीद हो चुका है भाई। यहाँ पे भी अलार्म भाई, कौन कौन सी जगह पे लगा दिया भाई, ये देखो चूहा आधी गेम तो ख़राब करता है ये नाइट मोर मोड में, लेकिन जो फील आती है हॉरर वाली वो इसी गेम के अंदर नाइट मेयर में आती है। अब बाकी सारे मोड तो नॉर्मल ही लगते हैं। ये लो भाई, अपने ही लगाए हुए लेज़र में ग्रेनी भी शहीद हो चुकी है भाई। ये अपने लगाए हुए सिस्टम में इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है इसके साथ भाई, क्या ही डिफेंस सिस्टम है भाई ये। इस चीज़ को भाई खत्म करते हैं भाई, कहाँ पे है डार्ट उठा लेते हैं भाई, यहाँ पे से जो स्क्रू ड्राइवर है वो गिराना है। यहाँ से ही चले भाई, पेट्रोलिंग रोबोट भी यहाँ पे ही खड़ा है भाई, उस तरफ देख रहा है, बच गए। बाहर ही बर्फ गिर रही है भाई, यहाँ पे भी लगा दिए है भाई लेजर भाई, कुछ ज्यादा ही लगा दिए हैं पूरे घर के अंदर, और ऊपर से मोशन डिटेक्ट करने वाले अलार्म भी सभी जगह दिख रहे हैं भाई। लेज़र के अंदर एक्सप्लोजिव लगे हुए हैं, तो एक बार जो टच हो जाए तो फिर वापस नहीं आते, वो अच्छी बात है, लेकिन जो मोशन डिटेक्ट करने वाले अलार्म लगाए हैं वो तो सभी बार वर्किंग करते हैं, तो उससे भी बच के रहना पड़ेगा। और ये एक नई चीज़ है चूहों वाली, इससे भी बचने के लिए पेडलॉक की मिल चुके भाई। पेडलॉक खोल लेते हैं, यहाँ पे क्या रखा है फ्रिज के अंदर भाई, बर्ड सी भाई, यहाँ से शॉर्टकट लगा के चलते हैं भाई। ये भाई अलग ही चीज़ है, ये गार्डन वाला जो एरिया है यहाँ पे पूरी तरीके से लाल हो चुके हैं क्लाउड सारे के सारे। वो क्या स्ट्रेंजर थिंग वाली फील आ रही है, क्योंकि पूरा जो माइंड फ्लेयर था वो थीम उसकी शायद ऐसा ही हो जाता है जो वेदर है, तो वही वाली फील ये वाली ग्रेनी रीमेक में आ रखी है पूरी तरीके से भाई। यहाँ पे कौन सी चीज़ है, यहाँ पे हैमर रखी हुई है भाई, यहाँ पे बस डार्ट चाहिए होगा या फिर वेपन को हमको यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ देखो वहाँ भाई लेज़र ही बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं।
ऑग व्हील मिल चुका है, ये भी भाई डाल देते हैं वहाँ पे भाई। सभी जगह पे मौसम डिटेक्ट करने वाले अलार्म एक अलग ही चीज़ है, उससे भाई नहीं बच सकते भाई, वहाँ से निकलना ही पड़ेगा, तो उसको कैसे स्टॉप करें। शायद कोई जगह पे की हो या ऐसा कुछ हो तो हम बंद कर सकते हैं, कैसे वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो की लगी हुई है भाई। यहाँ पे भी है, ये तो भूल ही गए थे, ग्रैंडपा आ चुका है भाई साहब। लाल धुआं है यहाँ पे, एक अलग ही चीज का धुआं उड़ता है। स्क्रू ड्राइवर की हमको वो गेट खोलने के लिए जरूरत होगी, तो वहाँ पे लेके चलते भाई। स्पीड रन हो जाए तो भाई अलग ही मजे है भाई इस वाले मोड के अंदर। भाई अलार्म बज चुका है भाई, जल्दी से जाना पड़ेगा भाई। आई थिंक आई नीड समथिंग टू ब्रेक इट भाई, इसको हम बंद कर सकते हैं लेकिन कहाँ पे वो देखना पड़ेगा। वो अलार्म बंद हो सकता है लेकिन किसी जगह पे शायद उसके लिए वो की रखी होगी, या कुछ हमको चेन कटर चाहिए होगा यहाँ पे। भाई ये हमको सीवर में चाहिए होगा, स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे डाल के चलते हैं। वेर आर यू भाई, हम भाई सीवर में आ चुके हैं, वो वाले सीवर में नहीं लेकिन जो घर का सीवर है वहाँ पे आ चुके हैं भाई। कितनी ज़्यादा लेज़र है भाई, कोई भी दरवाज़ा खोलो भाई वहाँ से लेज़र दिखेगी भाई। बुक ले लेते हैं। अरे भाई ग्रेनी जी बहुत फास्ट आ चुकी है भाई। चल बे निकल, जल्दी निकल, जाने दे भाई साहब। यहाँ पे भी लेजर भी में क्यों, कौन सी जगह वो भाई, ये लो अपने ही जाल में खुद ही फंसी जा रही है ग्रेनी। यहाँ पे भी अलार्म लग चुका है भाई, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं है इसमें यूज करने के लिए। ग्रेनी भाई, ग्रैंडपा आ चुका है भाई, तेरा कोई काम नहीं है भाई, यहाँ से निकले। अबे क्या ग्रेनी कर रहा है भाई, निकल यहाँ से। ये ले, ग्रैंडपा इज नाउ गॉन फॉर अबाउट 2 मिनट भाई। इनकी लेजर इनके ऊपर ही यूज कर डाली सारी की सारी। सेलेंड्रिना की मॉम आ चुकी है भाई, वो चाबी लेके भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन ये भी हमारे ऊपर हमला कर सकती है, तो भाई इससे भी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैंडपा ग्रेनी तो है, साथ में स्पाइडर ग्रेनी और साथ में ये सेलेंड्रिना की मॉम, तो चार लोग हो चुके हैं घर के अंदर। ऊपर से ये सारी डिफेंस सिस्टम जो हमको सारी की सारी बंद करनी पड़ेगी। अब लेज़र बीम से तो हम कैसे भी निपट लेंगे, लेकिन ज्वालाराम है उसकी स्विच ढूंढनी पड़ेगी सबसे पहले तो बंद करने के लिए। सबसे पहले तो ये सीवर की चाबी उठा लेते हैं। भाई
भाई साहब ये भाई इसको देख लेते हैं ये कहाँ पे जाती है। नहीं तो ये भाई ये भी पीछे पड़ गई, तो वो रास्ते से नहीं जाना भाई। ये देखो सेलेंड्रिना की मौत भी आ चुकी है अभी। अब भाई वो कहाँ पे जा रहे हो, हमें वहाँ पे जाना है ये लगाने के लिए। लेकिन साली ऊपर से वो एक पेट्रोलिंग रोबोट एक आ चुका है भाई। कौन कौन सी चीज़ से बच के रहे हैं भाई। कोई यहाँ पे ही बंद कर देते हैं भाई, हम चलते हैं लॉक करके। यहाँ पे पेट्रोलिंग रोबोट ही, इस तरफ से चलते हैं। चूहा, कौन कौन सी चीज डाली हुई है यार, कौन कौन सी चीज से बच के रहना। एक्स्ट्रा वेपन मिल चुकी है, स्टन गन मिल चुकी है। स्टन गन को यूज करेंगे बाहर लेके चलते, क्योंकि हमने वो शॉर्ट गन का पूरे पार्ट अभी तक नहीं मिले हैं, तो ये स्टन गन ही हमको काम आने वाली है। तो वहां से पार्किंग में सीधे डाल देते हैं ताकि हम वहाँ पे यूज कर सकें। स्टन गन तो मिल चुकी है, यहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है वो निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर की ओर वापस से। ओ भाई यहाँ पे स्पाइडर ग्रेनी आ चुकी है, लेकिन इससे भी बच के रहना पड़ेगा, ये भी एक अलग ही प्राणी है यहाँ पे। मास्टर की ये तो भाई लास्ट में यूज करने वाली है, वैसे कोई नीड नहीं है इसकी। भाई ग्रेनी साहब, भाई अभी तो बच गए, लेकिन भाई कुछ कह नहीं सकते भाई। स्पाइडर ग्रेनी ये यहाँ से सामने से हटे तो हम आगे जा आगे का काम खत्म कर सके। ये लो भाई वापस मुड़ के ना आ जाए। ये लो ग्रेनी इज नाउ गॉन फॉर अबाउट 2 मिनट। भाई अपने ही लगाए हुए लेजर बीम के अंदर शहीद होते जा रहे हैं ये लोग। भाई ग्रैंडपा यहाँ पे खड़ा हो क्या कर रहा है भाई, निकल यहाँ से। भाई उस देखा नहीं तो हम यहाँ पे स्टन गन यूज कर लेते हैं भाई। आ जा, ये ले दे रहा बम पूरा चमका दिया है ग्रैंडपा का। स्टन गन बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है हमारे लिए, क्योंकि जो शॉर्ट गन के पार्ट हमको ढूंढने नहीं पड़ेंगे अब। भाई ये उल्टा गिरा दिया है ग्रेनी ने, क्या भाई कर रहे हैं ये ग्रेनी, क्या ये कौन। भाई 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 इसको तो हम भूल ही चुके थे भाई। सेलेंड्रिना की मॉम, सेलेंड्रिना मॉम नाउ गॉन फॉर 2 मिनट। इसको कैसे भूल गए हम। अच्छा हुआ कि साथ में स्टन गन रखी हुई थी, नहीं तो इस बार तो भाई सेलेंड्रिना की मॉम दबोच ही लेती। यहाँ मास्टर की लाए थे वहाँ से, ये वहाँ पे किचन के टेबल पे रख के आते हैं। ये अभी यूज़ होने वाला नहीं है, तो हम क्या खोल दिया अभी तक। पासकोड चाहिए, बैटरी भी चाहिए हमको। बैटरी शायद कहाँ पे होगी, यहाँ पे देख लेते हैं। पार्ट ऑफ शॉर्ट गन भी मिल चुका है ये भाई, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं, स्टन गन मिल चुकी है हमको। भाई क्रॉसबो लेके चलते हैं, वो हमारा क्या बोलते हैं वहाँ से वो लॉक डोर है उसको ओपन करना है, तो क्रॉसबो लेके जाना पड़ेगा। ओ भाई सेलेंड्रिना की मॉम आ चुकी है भाई, क्या ही चीज़ भाई। वो 20 सेकेंड के लिए वो शहीद हुई थी, कोई बात नहीं। सीवर में आ चुके हैं, बच चुके हैं भाई। साउंड कैसा अलग ही आ रहा है भाई। यहाँ पे भी बच के रहना पड़ेगा, यहाँ पे भी लेज़र बीम लगा दिए इन लोगों ने।
ले लो। हैमर मिल चुके हैं हमको भाई साहब। अभी ग्रेनी भी आ चुकी है, वेयर आर यू कर रही है भाई, सुनाई दे रहा है सब कुछ। भाई लेजर बीम हमने खोल दी है यहाँ पे। ग्रेनी भाई यहाँ पे आ जा भाई, उसकी लेजर में उसको ही ब्लास्ट करते हैं। आजा आजा भाई, कहाँ पे है? अभी तो बोल रही थी वेयर आर यू, आई एम हियर बेबी। बहुत ही ज्यादा लेजर ये देखो। ग्रेनी इज नाउ गॉन फॉर अबाउट 2 मिनट्स। भाई यहाँ पे भी लगा दिया है भाई अलार्म तो। ओह नो, सिक्स सिलेंड्रिना की मॉम भाई साहब, ये एक अलग ही चीज है भाई। बहुत ही फास्ट दौड़ के आती है, इसके जाने के बाद ही यहाँ से निकलेंगे भाई। जल्दी से भाई यहाँ से निकल, कहाँ पे है? यहाँ पे ही भाई जा रही है। वहाँ से शायद बैठ से निकलेंगे तो शायद से अलार्म नहीं बजेगा, तो बैठ के ही निकलते हैं तब शायद अलार्म नहीं बजे तो मोशन डिटेक्ट। भाई बैठने से ही बच गया भाई, दोनों बहरे हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सिर्फ ग्रेनी सुन सकती है, दोनों तो बहरे हैं भाई। चूहा ये एक चीज़ अलग ही बचने वाली चीज़ है, चूहे से पूरा व्यूविंग एंगल बिगाड़ देता है। कोड मिल चुका है तो वो पहले डाल के आते हैं कोड को। अरे भाई इससे भाई, यहाँ पे ग्रैंडपा भी आ चुका है। ये ले भाई, हैमर लेके जानी है भाई। यहाँ पे बैटरी देख लेते हैं, यहाँ पे शायद, यहाँ यहाँ पे बैटरी पड़ी हुई है, बाद में उठाते हैं। पहले जो ऊपर का जो प्लैंक है वो डाल के आते हैं। यहाँ पे एक बार ड्रॉवर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है? कार की यहाँ पे पड़ी हुई है भाई। ग्रैंडपा आ रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे भी छुपना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए भाई, यहाँ से छुप के, क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं ग्रैनी का साथ देने के लिए, तो सभी लोगों से बचना पड़ेगा। तो फालतू में एक दिन वेस्ट हो जाएगा तो फिर डे वन के अंदर एस्केप करने का जो मज़ा है वो दूसरे दिन में नहीं आएगा, तो फिर डे वन में एस्केप करेंगे। ट्राई करेंगे कि इस, ओ भाई यहाँ पे बच के भाई, लेज़र हम भूल चुके भाई, कैमरा हमने ऑफ कर दिया है, सीसीटीवी। हैमर को डाल देते हैं नीचे यहाँ से भाई। कटिंग प्लेयर तो लाना भूल चुके हैं हम। सिलेंड्रिना मॉम नाउ गॉन फॉर 20 सेकेंड। भाई ग्रैंडपा फिर से देख लिया भाई, कहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? उनको कार की उठानी है। अरे भाई आधा टाइम तो ये लोग वेस्ट कर देते हैं। ग्रेनी के जो साथी आए हैं, ग्रैंडपा, सिलेंड्रिना की मॉम, स्पाइडर ग्रेनी, भाई ग्रेनी भी आ चुकी है यहाँ पे। वेयर आर यू तो भाई ढूंढो, क्या वेयर आर यू कर रही है? ग्रेनी भी अलग ही चीज है भाई। कार की उठा लेते हैं, उसकी जो डिक्की के अंदर कोई चीज मिलेगी भाई वो देख के आते हैं भाई। यहाँ से नहीं जम करना क्योंकि नीचे वो लोग पहुंच चुके होंगे भाई। ग्रैंडपा क्या चीज है, फिर से देख लिया उसने
भाई आ रहे, दोनों को आने दो, यहाँ से हम जंप कर देंगे। भाई वो नहीं आ जाए, सेलेंटिना की मॉम यहाँ पे ही है। फास्ट चलो भाई, कितनी चीज़ें वो देखनी पड़ेगी कौन सी चीज़ बाकी है अभी, क्योंकि हमने पेडलॉक की निकाली है, यहाँ पे नहीं है। ये वाटरमेलन को बाहर लेके जाना पड़ेगा गार्डन में। भाई यहाँ पे भी है मौसम, इसकी स्विच हमको अभी तक नहीं मिली है। स्पार्क प्लग मिला है, इसकी कोई वैसे तो नीड नहीं है, क्योंकि हमको डोर एस्केप ही करना है। यहाँ से जो डोर की बैटरी है वो निकाल के लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें तो हमने वहाँ पे डाल दी है डोर के पास ही। ये एक चीज़ यहाँ से उठा लेते हैं। वो स्टन गन हमने कहाँ डाली थी हमको ही नहीं पता है। ये भाई उल्टा डलता है, ओ भाई ये चूहा, अरे भाई क्या है, चूहा है ये, कितनी बार काटेगा। क्लियर हो चुका है, कोई बात नहीं अब चलते हैं। अरे भाई ग्रेनी आ चुकी है, भाई निकल, तेरा कोई काम नहीं भाई निकल, ये क्या क्या खेल रही है यहाँ पे। अरे भाई साहब जा यार, यहाँ पे ग्रेनी, अरे यार क्या सी यू कर रही है। ये जाए के दूसरे दो इसके साथ ही आ जाएंगे, उससे फिर छुपना पड़ेगा। तो लेट तो ऐसे ही होता जा रहा है हमको, लेकिन हमको एक भी डे मिस नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है कोई भी डे। डे वन में ही एस्केप करेंगे कुछ भी हो जाए। लेकिन भाई ग्रेनी जा रही है नीचे की ओर, भाई वापस से ऊपर ना आ जाए। ओ भाई साहब क्या भाई आदमी है ये सेलेंड्रिना की मॉम। भाई तो भाई आवाज ही क्या करती है सेलेंड्रिना की मॉम। यहाँ पे ही रहते हैं थोड़ी देर के लिए, भाई एक जाता है दूसरा आ जाता है, एक को निपटा रहे हैं दूसरा आ जाता है। भाई स्टन गन मिले तो जल्दी से ये ख़त्म करके, नीचे ही पड़ी होगी शायद से, देखना पड़ेगा। तो भाई लगा देते हैं भाई, भाई यहाँ पे से ग्रेनी नहीं निकलनी चाहिए। अरे यार सीट 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 सीट, वो बच गए बच गए बच गए बच गए। ओ भाई भागो 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 भाई, बच गए बच गए बच गए भाई। तीनों लोग यहाँ पे ही आ चुके हैं, कौन है सेलेंटा की मॉम ग्रेनी ग्रेनिका। भाई क्या ही चीज़, क्लोज कॉल हो चुका था एकदम से, क्लोज कॉल। भाई स्टन गन सबसे पहले तो ढूंढो भाई, ये हम नहीं कर सकते भाई, तीनों लोग को एक ही साथ कैसे निपटाइए। ग्रेनपा जा रहा है, कौन सी चीज़ यहाँ से ही देख लेते हैं भाई अभी, कौन सी कटिंग प्लायर बाकी है और ये खोलना बाकी है, जो हैमर से जो फट्टा लगा हुआ है वो निकालना है। तो कटिंग प्लायर्स लेके आते हैं, कटिंग प्लायर मिल चुका है हमको। कटिंग प्लायर, कटिंग प्लायर से वायर कट करनी होगी, यहाँ की कट करनी है और एक ऊपर से। अरे भाई क्या 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 भाई, ये लो, कोई बात नहीं, डे वन वेस्ट हो चुका है भाई। डे टू भाई दो तीन चीज़ ही बाकी है डोर एस्केप के लिए, वो भी ख़त्म कर लेंगे भाई। वो नीचे देखना पड़ेगा भाई क्या क्या चीज़ डाली हुई है भाई ग्रेनी ने, यहाँ पे क्या चीज़ लेके जा रहे थे। हाँ हैमर, कटिंग प्लायर हमारा कहाँ पे है। अरे भाई ग्रेनी ग्रैंडपा इज नाउ गॉन अबाउट टू टू मिनट्स।
भाई साहब, भाई इन लोगों को भी पता चल गया कि एस्केप होने वाला है, तो ये लोग भी ज़्यादा चौकन्ने हो चुके हैं अभी, किसी भी तरह हमको यहाँ से एस्केप ना करने देंगे ये लोग। लेकिन हम भी सब कुछ एस्केप करने के लिए सारी चीज़ हमने इकट्ठा कर दिए, तो अभी कोई रोक नहीं सकता ये लोग हमको। तो भाई अभी तो एस्केप करके रहेंगे भाई। क्रिसमस ट्री भी लगा दिए भाई, क्या तैयारी कर रहे हैं भाई क्रिसमस की। भाई क्या चीज़, अभी हमको एक ही चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, वो मास्टर की, हाँ वो वहाँ पे रखी है भाई। ग्रेनी गार्डन में जा चुकी है, यहाँ पे मास्टर की भाई, मास्टर की जल्दी भाई एस्केप। ये लो भाई डोर एस्केप हमने कर चुके हैं ग्रेनी के रीमेक वर्जन में, सबसे हार्डेस्ट एस्केप हमने कर लिया है ग्रेनी के रीमेक वर्जन में। ऐसे भी और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।